नमस्कार दोस्तों, एसपी कुकिंग एंड ईटिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज एक नई रेसिपी लेंगे। दोस्तों हम नई रेसिपी बनाते हैं, पूड़ी बना रहे हैं। तो हम सिंघाड़े का आटा लिए हैं। आप जितने लोगों के लिए बना रहे उतना आटा लीजिएगा। मैं एक लोगों के लिए बना रहे, इसके लिए मैंने हिसाब से नाप के आधा कटोरी लिया हुआ। और साथ में अभी एक आलू है, इसमें ग्रेट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि हाथ ऐसे हाथों से तोड़ के मसलने में गुठलियाँ रह जाती है, तो हमारी पूड़ियाँ अच्छी नहीं होती। तो इसके लिए हम इसको ग्रेटेड करेंगे, ग्रेट करके इसमें डालेंगे तो अच्छी पूड़ियाँ बनेगी। तो हम ग्रेट कर लेते हैं अभी पहले। दोस्तों हमने इसको ग्रेट कर लिया आलू को, इसके अंदर हम थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे। अब इसको अच्छे से पहले मिला लेते हैं, अच्छे से बाइंडिंग पहले कर लेते हैं। फिर इसके बाद जब हम पानी की जितनी ज़रूरत होगी, हमें अब थोड़ा सख्त आटा तैयार करना है, क्योंकि गीला आटा हो जाएगा तो क्या है कि हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो बन नहीं पाएगी। तो उसके लिए हमें सिंघाड़े की जो आटे की पूड़ी होती है वो थोड़ी आटा जो होता है उसका सख्त लगाना होता है। तो चलिए इसको फटाफट हम थोड़ा भून लेते हैं। पानी बहुत हल्का हल्का डालेंगे, ज़्यादा नहीं। जैसे हम वो पूड़ियाँ बनाते हैं, सिंपल पूड़ियाँ जैसे बनाते हैं, उसके लिए सख्त आटा, वैसे ही हमें इसका भी सख्त आटा चाहिए। देखिए हम आटा गूंथ रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और देखिए हमारा आटा बहुत सख्त है, हमें वैसे ही आटे चाहिए। हमने सिंघाड़े के आटे का आटा ही ले लिया था, व्रत का है। तो हमने देखिए बहुत आराम से पूड़ियाँ बेली, कितनी आराम से। देखिए पूड़ियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई, एक साइड में रख देते हैं और दूसरी हम पूरी बेल के दिखाते हैं आपको। ऐसा एक छोटा सा पेड़ा बना लिया और आराम से हमें बेलना है, ज़्यादा हमें फास्ट नहीं बेलना है, बहुत आराम से बेलना है, क्योंकि पूड़ियाँ बहुत नरम होती है, ये आटा टूट भी सकता है, इसके लिए बहुत आराम से बेलिए। तो देखिए हमारी पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई, हम इसको तेल में डालते हैं। हम दो पूड़ियाँ तलेंगे। हम 2 मिनट के लिए पहले इसे तलेंगे, फिर बाद में फिर पलट देंगे 2 मिनट बाद। और हमें खूब अच्छे से, इतनी बढ़िया हमारी पूड़ियाँ फूली है, ऐसी पूड़ियाँ होनी चाहिए सिंघाड़े के आटे की। दोस्तों हमारी पूरी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं, लौकी की सब्जी के साथ। मैं बताई हूँ कैसे बनती है लौकी सब्जी, आप जरूर देख लीजिएगा। आलू की सब्जी के साथ भी इसको खा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।